अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, आज का जो हमारा सेशन है, इट इज बेसिकली ऑन ईगो, विच इज द ग्रेटेस्ट हर्डल टू नॉलेज। और स्ट्रेंजली जो है, मेरे इस सिलसिले में, आई मीन विदाउट एनी प्लानिंग, लास्ट वीक का एक वाकया हुआ था। एज यूजुअल, जो आपको बताया, हमारे लोगों को वाकयों का, वाकयात का बहुत शौक है। तो वाकया ये हुआ कि मैंने जो है अपना एक टेक्निकल जो एक वी लॉग है, उसके अंदर मैंने थोड़े से पहले एक साहब का इंटरव्यू किया था। और वो साहब जो है, उनकी डिसेंट पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं वो। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो है, बात करते हुए उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा था कि यू नो, आई हेल फ्रॉम द यूके, माय फैमिली इज फ्रॉम पाकिस्तान, बट आई लिव इन वियना विद माय पार्टनर। तो उसके बाद बाकी उन्होंने जो अपनी टेक्निकल उनकी कंपनी है, उसके बारे में डिटेल्स वगैरह बताई थी, वो उसको मैंने पब्लिश किया था। एक साहब का मुझे मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि जो है ना, कि आई मीन हाउ कम, और ये साहब जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, काफ़ी उनकी डेप्थ है, नॉलेज है, कि उन्होंने कहा कि मीन यू हैड सेंट मी दैट वीडियो, मगर एज सून एज ही हैड मेंशन के जो है ना, कि मीन ही लिव्स विद हिज पार्टनर, इट जस्ट टर्न मी ऑफ एंड आई डिडंट सी अ रीजन टू वॉच द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। आई मीन इट जस्ट वॉक्ड मी डाउन के ये पता हुए बगैर के जो है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन साहब का ये वो सब, के मीन ही जस्ट रिफ्यूज टू लिसन टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी थी। दूसरा एक साहब है, इट्स को स्केटमा, साउथ अफ्रीका में, आई एम श्योर आप उन्हें जानते हैं, फाखिर के उस्ताद जो हैं। एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि हो सकता है कि कभी आप जो हैं किसी ट्रेन में, जहाज में सफ़र कर रहे हों, और आपके बराबर में दुनिया का एक बहुत बड़ा फलसफी बैठा हो, मगर क्योंकि उसके सर के ऊपर एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा रखा है, तो आप उससे बात करने से जो है ना इनकार कर देंगे। तो वॉट ही वॉज रिफरिंग टू, कि जो है ना, मीन कि वो दैट पर्सन कैन बी Jewish, can the person can be a Muslim, ये वो टोपी है ना, वो छोटा सा कप्पा या छोटे कप लगा के, मगर आप बात करने से उनसे इनकार कर देंगे। ये जो ईगो के हमारे यहाँ जो है बड़ी बड़ी दीवारें बन गई हैं, अभी इसका ये तमहीद बांधने का वो था कि ये हमारे ईगो ही हम लोगों को जो है ना इस नॉलेज से रोकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे खान साहब? देखें, जो आपने पहले वाक़े का जिक्र किया, उसमें तो मैं सरतसर इसको ईगो ही समझूंगा, अगरचे कि ये ईगो की मैनिफेस्टेशन की बड़ी एक पेचीदा सूरत है कि इंसान अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, माहौल को और सोच को समझता है कि ये है आइडियल, एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट इज अनएक्सेप्टेबल। ये ईगो भी है और ईगो के साथ लिपटी हुई वो रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि जो जब इंसान में आ जाती है तो फिर वो अपने सीखने के दायरे को खुद महदूद कर लेता है। सोचने की बात यह है कि जिस शख्स के बारे में उन्होंने ये तबसरा किया, उसका पस मंजर, उसका माहौल, उसके तजर्बात, उसके ख्यालात क्या हैं, उन्होंने इस पे गौर ही नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये ट्रेनिंग हम सबको करनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं और हम सब अपने अपने माहौल से सीख रहे हैं। अगर किसी दूसरे में आपको अपने खास वैल्यू सिस्टम से कुछ डिफरेंट चीज लग रही है, तो आपको दावत का एक रवैया अख्तियार करना चाहिए कि ओहो, इतना अच्छा आदमी है ये, लेकिन इस मामले में ये मालूम होता है कि इस बात को समझा ही नहीं है, तो मैं इसको मौका मिलेगा तो इनवाइट करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है ही नहीं। बल्कि सच्ची बात है, ये भी इंसान को सोचना चाहिए कि बाज मामलात में हो सकता है कि मुझे भी पूरी बात नहीं समझ में आई है, आज तक तो मैं यही समझा हूं, लेकिन ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम इट। तो ये जो है ना अप्रोच के हमें सीखना है दूसरों से, ये वाकई उस वक्त तक नहीं आ सकती आपके अंदर बात, कि जब तक कि आप दूसरे को महज अपने लेंस से ना देखें, बल्कि आप ये देखिए कि दूसरा आदमी अपनी पूरी शख्सियत और पसमंजर के साथ आया है और उसमें बाज चीजें उसकी और मेरी मैच नहीं कर रही, एंड लेट्स सी, लेट्स लर्न फ्रॉम इट। ये जो बात आपने की,
यू नो ये स्टीरियोटाइपिंग की ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसमें मैं समझता हूँ कि पैगाम दोनों तरफ जाना चाहिए। मैं अगर मुसलमान हूं और मेरे पास एक पैगाम है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं कोई ऐसी अपेयरेंस इख्तियार ना करूं जिससे खामखा मैं दूसरों को रोक लूं कि वो मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार ना हो। हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम ईगो ना हो, उनकी प्रॉब्लम महज एक स्टीरियोटाइपिंग की वजह से जो एक गलत फहमी हो जाती है वो हो। लेकिन अपने एंगल से अगर हम देखें तो वाकई ये बात सही है कि ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि कोई एक कौम, कोई एक प्रोफेशन, यू नो कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें सारे लोग एक तरह के हों। लोग डिफरेंट होते हैं और जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे उस वक्त तक आप ये फैसला नहीं कर सकते कि ये शख्स इस काबिल है कि इसको सुना जाए या ना सुना जाए। अब ये एक इसके ऊपर पॉइंट आता है कि जो मैंने लिखा था कि यू नो कि यू शुड नॉट कंफ्यूज ईगो फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस जो है ना इट इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इसमें एक चीज वो आती है कि हमारे मुल्क के लिहाज से कि अब एक चीज खुल के आ रही है कि हमारे यहाँ अक्सर PhDs जो हैं वो उनकी प्लेजराइज्ड डिग्रीज हैं और उनके थीसिस जो हैं वो प्लेजराइज्ड हैं। ऑल्दो आई मीन दे आर होल्डिंग वेरी हाई पोजीशंस ऑफ रेफरेंस, तो इसके अंदर जो है वो एक अथॉरिटी बन के वो सामने आते हैं, नाउ इट इज गेटिंग एक्सपोज्ड। तो ये PhD का भी एक जो है वो होल हमारे यहाँ जो है इज बिकमिंग डोमिनेंट। Isn't आप तो ऑफ कोर्स एकेडमिक से व्यवस्था है, आपने कैसे देखा है मैं इसको? देखिए मैं तो ऑनेस्टली आपको बताऊं कि प्रॉब्ली मैं एक एक्सट्रीम पे चला गया। मैंने जब PhD की और मैंने PhD करने वालों की हालात देखे तो मुझे तो ये महसूस हुआ कि PhD में रियल क्रिटिकल थिंकिंग, इन डेप्थ थिंकिंग, एनालिसिस, रिसर्च ये कम होता है और प्रेजेंटेशन के बारे में ज्यादा फिक्र होती है। अच्छा, कि मैं इनको कोट कर लूं, मेरी बिब्लियोग्राफी में यू नो किताबें और आर्टिकल्स ज्यादा हों, दैट काइंड ऑफ पुट मी ऑफ। हकीकत यह है कि इल्म के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मैं इस वजह से इस सारे प्रेजेंटेशन का जो एक माहौल बना दिया गया है इसके खिलाफ हूं। इसके नतीजे में आप बहुत सी ब्राइट माइंड्स को आइडियाज देने से रोक देते हैं। यू नो आप किसकी बड़ी मिसाल अच्छी है कि एक आदमी जो है वो बहुत काबिल आदमी है लेकिन उसकी अंग्रेजी के लहजे में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्या हो सकता है कि वो ग्रामर की कुछ गलतियां कर रहा हो, मगर यार ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ये इसके पास क्या आइडियाज होंगे। तो ये हकीकत है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हमको अपने जहन में रखना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए कि हम जानना चाहते हैं प्योर नॉलेज को, अच्छी बातों को, विजडम को, जेम्स को, जिसमें प्रेजेंटेशन का जो एक जाहिरी आप कहिए धोखा होता है, इंप्रेशन होता है, उसको छोड़कर हम पेनेट्रेट करें और देखें कि असल बात हमको कहां से मिल रही है। आपने पूछा कि ये हमारे यहाँ PhDs जो है वो एसर्ट करते हैं अपनी बात के एक्सपर्ट बन के, एक्सपर्ट का इम्प्रेशन क्रिएट करके, ये हकीकत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जो बंदा अपने आप को एक एक्सपर्ट की हैसियत से प्रेजेंट कर रहा है वो खुद अपने गरेबान में झांक कर क्रिटिकली अपने आप को देख के वो अपने अपने आप को रिव्यू करता रहे, अपनी बातों को बार बार सोचता रहे। और सच्ची बात है कि इतने आपके मुकाबले में और काबिल लोग होते हैं कि अगर आप ओपन माइंडेड हो और आपके अंदर कुछ रियलिस्टिक हो, मैं हम्बल नहीं कहता आप रियलिस्टिक हो, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपसे बहुत बेहतर लोग दुनिया में मौजूद हैं और आपको अकड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको दूसरों के ऊपर ये जो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं ना कि मैं कोई बहुत चीज हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि असल में होता ही इसीलिए कि इंसान एक इनसिक्योरिटी फील करता है कि जब तक कि मैं जरा ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगा, मैं जरा अपने लहजे को खास तरह से
अट्रैक्टिव नहीं बनाऊंगा, उस वक्त तक लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। असल में तो वो इल्म, वो मालूमात, वो एनालिसिस है जो मतलूब है, कि जो बहरहाल गहरी सोच और गौर फिक्र से आता है। मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें एक छोटा सा एक्सर्प्ट था कि कोडैक कंपनी जो है 1996 में उनके पास तकरीबन 1,44,000 एम्प्लॉयज थे और उसकी वैल्यू $20 बिलियन थी। 10 साल के बाद जो है वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उसके पास 17,000 एम्प्लॉयज थे। और इस वक्त वो कंपनी जो है उसके पास 17 एम्प्लॉई हैं और फिर वो उसकी वैल्यू $1 बिलियन हो गई है। कहने का मकसद यह है कि दुनिया जिस हिसाब से चेंज हो रही है, उसके अंदर जो है नई जो है बिजनेस वर्टिकल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आ रहा है, हम लोग इस वक्त मेरे ख्याल में जो है ना एक इमरजेंसी के अंदर, और मैं सिर्फ पाकिस्तान के जिक्र नहीं कर रहा, यहाँ पे तमाम थर्ड वर्ल्ड का जिक्र करूंगा, एक जनरल इमरजेंसी के अंदर है कि वहां पे ट्रेन बहुत आगे जा चुकी है और हम लोग अभी तक जो है ना बहुत बेसिक्स को जो है ना एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं खालिद साहब। और इस चीज को अगर हम लोगों ने इस वक्त अगर नहीं पकड़ा तो बहुत दूर हो जाएगी, देर हो जाएगी। क्योंकि मसला यह है कि जितनी भी ये कंपनीज हैं जो इसके ऊपर, जो कहने को Web 3.0 कहते हैं, उसके ऊपर काम कर रही हैं, उनके जाहिर बात है एज एन इंडस्ट्रियल उनके सेल्फ इंटरेस्ट है। और अब जो है इवन जो कमोडिटीज हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल की ऊपर डिपेंडेंसी लोग खत्म करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक कार से, बिटकॉइन जो है अब दे आर सेइंग के जो है ना कि इट इज गोइंग टू बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड, तो गोल्ड की जो है ना वो वैल्यू नहीं रहेगी। हम लोग अब तक जो है ना स्टोन एज की तरफ वापस जा रहे हैं, इसको आप किस तरह पकड़ सकते हैं खालिद साहब इस वक्त? माइंडसेट है जी, ये वो चीज है कि जिसको कि हमें बार बार लोगों के जहनों में डालना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको दिलचस्पी तवज्जो से करें, इसको हर्फ आखिर न समझें। हमारे यहाँ जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की, ये सोच कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो गलत हो सकती है, जो हमारी एफर्ट है उससे बेहतर लोगों की एफर्ट्स हो सकती है, और हमें दूसरों से लर्न करना है और बार बार अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। जो काम भी आप कर रहे हैं, जिस टीम के साथ कर रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन जरूरी है, मगर डिसिप्लिन के साथ साथ एक ओपन डिस्कशन का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का माहौल जरूरी है, वरना वरना आप स्टेगनेट हो जाएंगे। आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि आप और आपका काम ऑब्सोलीट हो चुका है, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि आप देख ही नहीं पा रहे, जब तक कि आपके वो अकाउंट्स की बुक्स में ये लिखा हुआ ना आ जाए कि जनाब यू आर इन द रेड, आपको नजर ही नहीं आता। जी मेरे ख्याल है कि इसके लिए वो आंख होनी, वो सोचने का, देखने का अंदाज होना जरूरी है, कि जिसमें आप जो भी आपके दाएं बाएं चेंजेस आ रहे हैं आप उनको एनालाइज करें और आपस में डिस्कस करें, ताकि हम आगे बढ़े। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो हमारे यहाँ एक इनफ्लेक्सिबल, स्टबन, रिजिड एटीट्यूड है, इसको इमरजेंसी के फुटिंग्स पर ठीक होने की जरूरत है। खालिद साहब, इसके अंदर ईगो जो है, जो वही बात कर रहे हैं कि इज द बिगेस्ट एनिमी, तो उसके अंदर इशू एक सरप्राइजिंगली किताब भी है, ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी। ये हमारा ईगो तो हमको हमेशा ये बताता रहता है यार कि आप जो है ना बहुत तगड़े हैं, जबरदस्त, आप कोई जरूरत नहीं है वो करने की। मगर मैंने देखा है कि जो है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों या बिजनेसमैन हों या कुछ भी हो, वो कंटिन्यूसली जो है फीडबैक जो है लोगों से लेते रहते हैं, एंड यू नो दे बाउ डाउन टू द फीडबैक कि हाँ ये जो कह रहा है ठीक है, एंड दे ऑल्सो बैक ऑफ। तो उसमें हमारे यहाँ जो है ये फीडबैक लेने का कल्चर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारी ईगो है, और इसलिए नहीं है कि हम अच्छी खबर सुनना चाहते हैं अपने बारे में और कोई अनप्रेजेंट बात नहीं सुनना चाहते। जैसा कि मैंने गुजारिश किया कि ये शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिजास्टर्स है। मैं समझता हूँ कि जब तक कि हम ये नहीं करेंगे अपने कि हम दूसरों से बात सुने और तारीफ से ज्यादा तनकीद सुनने के लिए तैयार हो, और तनकीद सुनने के बाद आप उसको एनालाइज कर सकें, बजाय इसके कि दूसरे को एक्यूज करें, आप बात की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें।
आप ये अपना जहन बना लें कि मेरी तारीफ करने वाला मेरा हमदर्द नहीं है, मुझ पे तनकीद करने वाला मेरा ज्यादा बड़ा हमदर्द है। जाहिर है कि लहजा अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहरहाल आप यू कैनॉट बी सिलेक्टिव अबाउट इट। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका नाकिद आपसे बड़ी तमीज से बात करेगा, मगर ये आपकी खामियां जो आपको पॉइंट आउट करता है, आपके काम में कमियां जो आपको बताता है, वो आपका मोहसिन है, ये बातों से नहीं आता। मेरा ख्याल है कि इसकी इसके लिए रियाज की और तरबियत की जरूरत है। मुझे याद है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया लम्स में, तो एक फीडबैक आया करता था, उसमें किसी ने लिखा मेरे सेशन बाद कि उसमें वो लिखा होता था कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द टीचर, तो उसमें किसी ने लिखा था कि लुक फॉर अनदर जॉब। तो मेरे लिए इतना शुरू में शॉकिंग था कि मैंने कहा यार ये क्या बात, बट देन यू नो आई स्टार्टेड टेकिंग इट मोर सीरियसली, आई स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग इट, और मैंने महसूस किया कि अच्छा इसका मतलब ये कि मेरी प्रेजेंटेशन में, मेरे लेक्चर्स में कुछ कमी है। और आई एम श्योर कि बाज लोग आपको सिर्फ क्रिटिसाइज कंडेम करने के लिए बात करते हैं, मगर आपको इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि जिस शख्स ने आपके बारे में कोई बात की है टू सजेस्ट समथिंग डिफरेंट, उसको एक मर्तबा पूरी तरह से एनालाइज कर लें, उसको समझ लें, और फिर आप फैसला करें। तो ईगो को जाहिर है इसमें कोई रोल नहीं प्ले करना चाहिए, इसलिए कि ये हमारी दुश्मन है, और हमको इब्तदा में तकलीफ होती है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म अगर आपने कहीं भी यू हैव टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट, तो आपको अपने ईगो पर काबू पाना होगा। अब इसके अंदर दो पॉइंट्स और आते हैं सर, कि जो है ना कि you know you should surround yourself with people who are smarter than you. जब आप उस माहौल में जाएंगे आप और इस चीज को आप कर लेंगे कि जो है ना, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले अपने ईगो को दबाना पड़ेगा ये कहने के लिए ना कि आई मीन कि हाँ ये लोग मुझसे ज्यादा सयाने हो सकते हैं। क्योंकि जो मैं समझता हूँ ये कि द एक्चुअल विन इज इन सर्विंग, नॉट बाय पोर्ट्रेइंग के जो है ना कि आप जो है बहुत अजीम इंसान है। तो ये भी हमारे यहाँ एक चैलेंज है ना इसको ये करना कि मैं किस तरह से इस चीज को एक्सेप्ट करूँ और लोगों के साथ करूँ और ये एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ ये लोग मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि इंसान को इसकी तरबियत करनी चाहिए कि जब लोगों में वो बैठा हो तो वो ज्यादा बातें करने वाला ना हो बल्कि ज्यादा सुनने वाला हो। बाज लोगों को शौक होता है कि वो गुफ्तगू में डोमिनेट करें, उनको ये अंदाजा नहीं होता कि इसके नतीजे में एक तो वो अपने आप को लर्निंग अपॉर्चुनिटी से महरूम कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो अपना मजाक भी उड़वा रहे हैं। इसलिए कि समझदार लोग सब जानते हैं कि अगर कोई शख्स कोई जरूरत से ज्यादा बातचीत कर रहा है तो असल में उसका कोई मसला है। तो यू नो जब आप किसी ग्रुप में हैं, ग्रुप डिस्कशन में, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और डोमिनेट करने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हकीकत वाकया ये है कि हम सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, हम लोगों के साथ गुफ्तगुओं से भी सीखते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। तो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं जाने देना चाहिए, और इट्स अनफॉर्चुनेट कि लोग ऐसी टीम में शामिल नहीं होना चाहते कि जिसमें लोग उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसमें उनको बात करने और वैल्यू ऐड करने का मौका कम मिलता है। हकीकत यह है कि पॉजिटिव हेल्दी साइन ये होगा कि आदमी इस तरह की मजालिस को ज्यादा एंजॉय करे, बिकॉज देखें या आपके अंदर लर्न करने का जज्बा है एंड यू एंजॉय इट या नहीं है। और अगर लर्न करने का जज्बा है तो आप खामोश बैठ के दूसरों की बातें घंटों सुन सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि यही अच्छा पॉजिटिव साइन है। जी बिल्कुल, उसमें कल मैंने कहीं पढ़ा था कि जो है ना ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज, तो आप जैसे ईगो बढ़ता जाएगा नॉलेज कम होती जाएगी। अलता इस पैराई के अंदर जो है एक मैंने आपसे पूछना था कि इसमें हमारे यहाँ जो है ये ऑफकोर्स
है तो बात कंट्रोवर्शियल, मगर इट्स ओके टू गो कंट्रोवर्शियल, कि ये रिलीजियस डाइवर्सिटी के जो चैलेंज है हमारे यहाँ, मेरा फिरका, मेरी मस्जिद, मेरा पीर साहब जो भी है, ये एक डोमिनेंट चैलेंज हुआ हुआ है हमारे मुल्क के अंदर. एंड ऑफ कोर्स यू आर आल्सो विक्टिम ऑफ दैट. हाउ डू वी एड्रेस? देखिए ये मौजूद तो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. उसकी वजह ये है कि रिलीजन और इस्लाम का एक बड़ा ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट होने की हैसियत से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे जहन में रहते हैं कि ये जो दुनिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, नॉट जस्ट अमंगस्ट मुस्लिम्स, ये अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की? जवाब यही आता है कि इट्स अ टेस्ट. सवाल होता है कि ये टेस्ट की क्या नौइयत है? तो इसका जवाब जहन में ही आता है कि इसकी टेस्ट की नौइयत ये है कि हर एक को उसके अपने रिस्पेक्टिव सिचुएशन में रख के अल्लाह ताला देख रहे हैं कि वो कैसे बिहेव करता है. ये बातें मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे कुरान से समझ में आई. जाहिर है कि बहसियत मुसलमान फिर हमको ये सोचना चाहिए कि हम अगर मुसलमान हैं और एक खास सोच रखते हैं तो दूसरों की जो सोच, दूसरों का जो रिलीजियस अप्रोच है, वो इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उनको एक मुख्तलिफ इलाके में, मुख्तलिफ फैमिली में पैदा किया है. कहने का मकसद ये है कि इस रिलीजियस डाइवर्सिटी का अगर कोई माकूल हल है तो वो सिर्फ एक है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इतनी इम्प्रूव कर लें कि हम हर कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस कर सके, अपनी बात सलीके से करें, दलाइल के साथ, दूसरे की बात ध्यान से, दयानतदारी के साथ सुने. लोग सुनते नहीं है, और मजहबी लोग तो आमतौर पर नहीं सुनते, लेकिन बहुत दिलचस्पी से सुननी चाहिए बात, समझने के लिए कि ये हो सकता है कि मैं गलत हूं और दूसरे का नुक्ता नजर सही हो, कुल्ली नहीं तो जुजवी तौर पर. जब तक हम ये नहीं करते, मेरा ख्याल है जब तक हम ये नहीं करते उस वक्त तक हम अल्लाह ताला के प्लान को ठीक तरह से ना समझ पाए हैं और ना उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं. लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला का प्लान ये है कि पूरी दुनिया के इंसानों को मुसलमान बना दिया जाए. आप मुझसे पूछें, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि मैं अपनी बात दूसरे को दयानतदारी से, अच्छे अंदाज में, पोलाइटली बताऊं और उसकी मेरिट पर दूसरों को कन्विंस करूं. और मुझे ये मालूम है कि जब मैं प्रेजेंटेशन करता हूं तो उसमें फ्लॉज होते हैं. इसलिए नहीं कि मेरे मैसेज में फ्लॉ है, मेरे दीन में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में फ्लॉ है, मेरे प्रेजेंटेशन के अंदाज में फ्लॉ है, और दूसरे की बात सारी की सारी गलत नहीं है, उसकी बात में, उसकी सोच में भी खूबियां हैं. सो मुझे एक ऑनेस्ट पार्टिसिपेंट होना चाहिए एक रिलीजियस डायलॉग में, और उसमें पोलाइटनेस हो, उसमें यू नो एकेडेमिक अंदाज हो, जितना बोलना है उतना ही सुनना हो, तो आई थिंक हम इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ मच बेटर वर्ल्ड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम उससे बहुत दूर हैं. आपने पहले जब हमने वो पीएचडी की बात की थी, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की का जिक्र किया था, और ये बात जो है कल मैं अपने एक दोस्त से कर रहा था, इसी जो कल प्रेजेंटेशन मैंने देखी थी उसके हवाले से, उन्होंने कहा था ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये आपको किंडरगार्टन लेवल से जो है ना शुरू करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि जो है कि आप उन बच्चों को शुरू से जो है किसी एक सिस्टम में या किसी के अंदर जो है आप उसे इंडोक्ट्राइन करें, आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग का जो है मौका दीजिए. ये पूरे का पूरा ये प्रोग्राम करने का मकसद जो है, हमारा यहाँ बैठ के सिस्टम को बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं करना, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है डॉक्टर साहब, इसका जो है ना, एज वी हैड डिस्कस के वी आर गोइंग टूवर्ड्स के जो है ना कि इसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम क्या ले सकते हैं अब स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ जो माई नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं, तो हाउ वुड यू एडवाइज देम नाउ एंड व्हाट स्टेप्स दे शुड स्टार्ट टेकिंग स्लोली वन एट अ टाइम यू नो टू मेक श्योर कि ये इस धुएं से बाहर निकले ये लोग? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किंडरगार्टन लेवल से शुरू होना चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए कि उनके जहन में जो सवालात आते हैं वो उन्हें पूछने हैं. सवालात से ही इल्म
इंसान को हासिल होता है। सवालात हमें जिस तरह से हमारी पर्सनालिटी डिजाइन की गई है उसमें नेचुरली इनबिल्ट है। आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि जिस दुनिया में वो रह रहा है अपनी शख्सियत को भी और अपनी सराउंडिंग्स को भी, जब वो देखता है तो उसमें सवालात पैदा होते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे प्लान क्या है। हम तो यू नो एज प्रेजेंटर्स ऑफ रिलीजियस मैसेज हमें तो बहुत से सवालों के जवाब दे रहे हैं। हम तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल पिक्चर है, यू नो वी हैव आंसर्स टू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम तो गुस्से हो ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को शट अप कर देते हैं, जिसके नतीजे में दो तरह के बच्चे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं जवान जब होते हैं। एक वो के जो इसको मान लेते हैं कि सारी बात जो हमें बताई गई है वो बिल्कुल सही है, और क्यों सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल हमें यही मानना है, यही हमारा अकीदा है, यही हमारा नजरिया। और दूसरे वो बच्चे होते हैं जो जरा ज्यादा ब्राइट होते हैं, वो बागी हो जाते हैं जी। और वो कहते हैं कि यहाँ तो जवाब ही कोई नहीं है। आप साइंस पढ़ते हैं, आप फलसफा पढ़ते हैं, तो आपको सवालों के जवाब मिलते हैं, आपको यू नो क्रिटिकली चीजें एग्जामिन करने का आपको सलीका सिखाया जाता है। सोशल साइंसेज में तो यही कुछ हो रहा है, और हमारे दीन में तो मालूम होता है कि मौलवी साहब गुस्से से बैठे हुए हैं और वो किसी सवाल का जवाब तो देना दरकिनार है, वो तो डांट देते हैं। तो मेरे ख्याल है कि बिल्कुल सही है कि बचपन से इस चीज को सिखाना चाहिए, और वालिदैन को, वालिदैन मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं ये बच्चा सवाल पूछ रहा है, अल्लाह ताला को हम क्यों नहीं देख सकते, मैं मुसलमान क्यों हूं, वगैरह वगैरह। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हमने कोई जवाब नहीं दिया तो हम बड़े परेशान हैं। तो मैं उनको कहता हूं परेशान ना हो, खुश हो, इसलिए कि इस बच्चों की क्यूरियोसिटी और उसके इजहार के नतीजे में आपके अंदर भी कुछ क्यूरियोसिटी पैदा होगी जो अभी तक नहीं पैदा हुई। आपने तो दीन ऐसे ही सीख लिया, मान लिया, तो आप बच्चों को जवाब दें, और जवाब अगर आपके पास नहीं है तो उनको तलाश करें। और ये बहुत अच्छा नुक्ता आगाज है, मैं इस बात पर खुश होता हूं कि मुसलमान अब वेस्ट में जाके आबाद हुए हैं और उनके बच्चे वहां के सिस्टम ऑफ एजुकेशन की वजह से सवालात करते हैं, और इसके नतीजे में वालिदैन को भी मजबूर होना पड़ता है कि वो सवालों के जवाब दें। उन्हें कभी उन्हें स्नब नहीं करना चाहिए, और हमेशा सवालात को एनकरेज करना चाहिए और खुद भी सीखना चाहिए। आई एम श्योर कि नई जनरेशन हमसे बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह, अगर हमने उनको डिस्करेज नहीं किया। खालिद साहब, ये तो वो लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया कि वेस्ट के अंदर, और डेफिनेटली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर विद यू नो द बाउंड्रीज विच हैव बीन डिफाइंड, वहाँ पे वहाँ किस किस्म के फोरम बनाए जा सकते हैं जहाँ पे एक जनरल जो है एक एटमोसफेयर बने कि जहाँ पे कोई आदमी भी आके कोई सवाल कर सकता है इस खतरे के बगैर कि जो है ना कि उसको कोई वर्बल या बॉडली हार्म पहुंचेगा, ये मुमकिन है? अब बिल्कुल मुमकिन है जी। देखिए अब तो सबसे ज्यादा मुमकिन है, इसलिए कि देखें मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हुआ हूं, तो अगर आपको मेरी बात कोई बुरी भी लगी तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज्यादा ज्यादा आप अपना प्रोग्रामिंग मत करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास जो अब स्पेस है, यू नो साइबर स्पेस या जो भी आप इसको कहिए, ये वो स्पेस है कि जिसमें हम दुनिया जहान की बातें कर सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग को, डायलॉग को, एक दूसरे से सीखने सिखाने को हम प्रमोट कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि इसी में फ्यूचर है। अच्छे क्वालिटी के अगर हम इस तरह के मैसेजेस बनाएंगे तो आई एम श्योर कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूट्यूब वगैरह में भी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें होते हैं कि वो जो लोगों की जो पॉपुलर अपील होती है ना जिन चीजों में, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ही टेस्ट बदलेगा। शायद हमको भी, जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि कुछ वाकयात के जरिए से जरा ज्यादा मजेदार क्रिस्पी बनाना पड़ेगा मामलात को, कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी हो, कुछ प्रॉब्ली विजुअल्स ऐसे दिखाएं हम, लेकिन यहीं पर होगी ये सब चीजें। और पिछले हफ्ते पाकिस्तान में लोगों के 100 मिलियन डॉलर जो हैं वो चोरी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रॉडुलेंट जो क्रिप्टो करेंसी और के एक्सचेंजेस थे, जो कि एक ग्लोबल जो एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके ऊपर वो एक झूठा जो है लोगों ने अपने वो बना के एक्सचेंजेस जिनको सेलिब्रिटीज ने इंडोर्स किया हुआ था,
और उसके ऊपर पाकिस्तान में एट अ मिनिमम $100 और मैक्सिमम लोगों ने 80-80 हज़ार डॉलर जो है ना वहां दिए हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना इस चीज को पकड़ा। अब चक्कर ये है कि आई डोंट नो कि कितने सारे फोरम्स हैं, मैंने तो उसके ऊपर गौर नहीं किया, मैंने तो ये सिर्फ ट्रिब्यून में कल खबर पड़ी थी कि एक्सपेक्टेशन के ऊपर $100 मिलियन जो है पाकिस्तानियों ने जो है ना अपने जाया कर दिए। मगर अगर कोई बॉडी इस तरह से जनरल, क्योंकि इस वक्त जो है क्रिप्टो करेंसी और सब चीजें जो है ये आपको करती हैं मेक योर रिच ओवरनाइट रिच वाले कहानियां हैं, तो अगर अगर इसके ऊपर अगर कोई खुल के को बात हो रही हो ना, आई थिंक पीपल वुड बी कॉशन के यार कि ये ना ये चीजें मत करो। मगर मैं देखता नहीं, एकदम से कोई चीज आती है, फ्रॉड होता है, डबल शाह होता है, उसके बाद जो है ना पोंजी स्कीम होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। देखिए, ये जो क्विक मनी के हुसूल का एक जज्बा, ख्वाहिश, हमारे जरूरत है, हर इंसान के अंदर होती है। जाहिर है, कौन नहीं चाहता कि उसके पैसे बने। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम, जाहिर है लोगों के पास सेविंग्स हैं, लोग अपने फ्यूचर में चाहते हैं कि उनको उनको फ्लो ऑफ रेवेन्यूज आती रहे। लेकिन कोई ऐसे इम्कानात नजर नहीं आते कि जिसमें वो इन्वॉल्व हो, उनको नजर भी आए कि कोई काम हो रहा है। उनकी एक डोरमेंट ही सही, मगर एक पार्टनरशिप की एक सूरत है। तो जाहिर है कि जब ऐसा नहीं होता तो फिर वो इस तरह की जगहों पे जाते हैं कि जहां उनको सिरे से कोई अंदाजा ही नहीं है कि इसकी क्या हकीकत है, जी और बहुत जल्दी वो फंस जाते हैं। तो इसलिए जाहिर है कि इसमें हमारे निजाम को, हमारी हुकूमत को भी जिम्मेदारी संभालनी जरूरी है कि वो ऐसे इदारे बनाएं और लोगों को गाइड करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट्स मुहैया करें कि जो बिल्कुल उनको इस तरह की हिमाकतें करने से रोकें। ठीक है सर। अब आज का टाइम खत्म हो गया है, अगले जिस तरह प्रोग्राम्स होते जाएंगे उसमें इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू सी के एक फोरम्स के अंदर जो है टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है ना हम लोग यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को ही बुलाएं, इस चीज के ऊपर जो है डिबेट करें कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के जो है, और क्वेश्चन एंड आंसर सिर्फ रिलीजन के ऊपर नहीं होते, ये आपके पर्सनल मैटर्स के ऊपर भी होते हैं, आपके जॉब्स के ऊपर भी होते हैं, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आपको कितना अपने मुल्क के अंदर आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है उसके ऊपर भी होते हैं। तो द आइडिया इज टू क्रिएट दिस फोरम, और वो फोरम जो है बिल्कुल वो कहीं पे भी यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर कहीं पे भी जाके हो सकता है, जहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन माइंडेडनेस विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ इंडिविजुअल ईगोज जो है उसको लेके आगे चले। ठीक है सर, इंशाल्लाह ताला जो है आपसे जो है ना विल जस्ट मीट इन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, थैंक यू अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।